तेलंगाना स्टेट में वाइट कोट पहनने यानी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए हुकूमत तेलंगाना की तरफ से अब नौ मेडिकल कॉलेजेस का ख़यम अमल में ला दिया गया है जिसका 15 सितंबर जुमा के दिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के ने प्रगति भवन से वर्चुअली इनाग्रेशन अमल में ला दिया है और ये मेडिकल कॉलेजेस आज से ही स्टूडेंट्स के लिए काम करना भी शुरू कर दिए गए हैं इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के के साथ तेलंगाना के हेल्थ व फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव खातून चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी आई के अलावा दूसरे दूसरेदार भी मौजूद थे वर्चुअली इनाग्रेशन करने के बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के सी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सेपरेट तेलंगाना से पहले यहाँ पर सिर्फ नौ मेडिकल कॉलेज ही कायम थे मगर अब बी की हुकूमत ने सेहत पर खास तोज्जो देते हुए तेलंगाना के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स जैसे कि कोमरम्भी आसिफाबाद करीमनगर कामारीड्डी खम्भम जयशंकर भोपालपल्ली निर्मल सिरसिल्ला वाद और जनगांव में इन नौ मेडिकल कॉलेज़ का ख़याम अमल में ला दिया है जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में किसी भी स्टेट में मेडिसन की तालीम हासिल करने में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए इस तरह से तेलंगाना स्टेट में पहली बार नौ मेडिकल कॉलेज़ का ख़याम अमल में लाया गया है और फ्यूचर में हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक मेडिकल कॉलेज का भी भीम अमल में लाने का भी चीफ मिनिस्टर के ने ऐलान किया है साथ में इन्होंने फ्यूचर में नर्सिंग कॉलेज के खयाम को अमल में लाने का एश्योरेंस दिया है जिस पर कांग्रेस पार्टी से लीडर्स का कहना है कि यह सब तेलंगाना में होने वाले इलेक्शन की तैयारियों का एक हिस्सा होता है क्योंकि पिछले दस साल याने दो टर्म से मुसलसल यहां पर बी की ही हुकूमत क़ायम है और फिर अब तक भी इन दस सालों के वक्फे में कुछ नहीं किया गया लेकिन अब साल दो हजार तेईस में तेलंगाना की अवाम बी आर एस के खिलाफ होती हुई नजर आ रही है जिसे देखकर अवाम को फिर से एक बार वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना